सही मायने में तो यह है कि कांग्रेस इस देश में दंगा फैलाना चाहती है। कांग्रेस दंगा फैलाना चाहती है, कुल दंगा फैलाना। जब प्रधानमंत्री जैसे आदमी को नहीं बख्शा, जब प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को नहीं बख्शा तो किसको बख्शेंगे? तो जनता कहां सुरक्षित है? ये देश में माहौल खराब करना चाहते हैं, ये केवल प्रोपेगेंडा करना जानते हैं। और ये उस पद्धति के लोग हैं जिसे पटेल जी ने बैन लगाया था। ये एक झूठ को इतनी बार बोलते हैं जो जनता के सामने सच लगने लगे। ये नहीं बोलते कि पंजाब में 800 कुर्सियां भरी हुई थी। ये नहीं कहते कि जब 600 किसान बॉर्डर पर शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री के काफिले के सामने अगर आंदोलनकारी आ जाए तो उसको क्या कहेंगे आप? आपको ये पता होगा, आप पूरे देश में जाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए पहला चक्र किसका होता है? एसपीजी का। एसपीजी से जनाब सुन लीजिए, एसपीजी के 20 मीटर पे आंदोलनकारी आ जाएं तो उसे क्या कहेंगे आप? राज्य सरकार का जो सुरक्षा है वो तीसरे चक्र पे होता है। प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर से आ रहे थे, प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर रोड पर, उनका आना और 2 घंटे विलंब से आना और मीटिंग में 800 कुर्सियों पर केवल लोगों को पाना, ये केवल ये ड्रामा है। आप नहीं मानते तो आप मत मानिए।